हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.2 के टाइप नंबर 3 के सवाल कर रहे थे, जिसके बीच में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में सारी एंट्रीज 1-1 नहीं होती तो हम लोग सारी की सारी एंट्रीज को 1-1-1 कैसे बनाते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। और जब हमारे पास 1-1 बन जाता है तो उसके बाद हम लोग फिर जो आपको पहले प्रॉपर्टीज बताया गया था वो सिंपल सिंपल दो प्रॉपर्टीज लगाते हैं और जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल के जिस भी रो या जिस भी कॉलम में 2-0 बन जाएगा उससे हम लोग उसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है जी, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो हमारे पास है 1a a square, दिस इज a square 1a एंड दिस विल बी a square और 1। आपसे कहता है आपको इसको प्रूव करके दिखाना है, दिस इज a क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, हमारे पास एक सिंपल सा सवाल है उसमें आपसे कहता है 1a और a स्क्वायर 1 और a और a स्क्वायर 1, हम लोगों को प्रूव करके लेके आना है कि जिसका आंसर होगा वो क्या होगा, a क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर आप इसमें जितना मर्जी कोशिश कर लें फिलहाल आपको कहीं पे भी 1-1-1 जो है वो नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम लोग इसकी राइट हैंड साइड को देखने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों को क्या चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमारे पास लिखा है a क्यूब माइनस 1, 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 3, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस a इंटू 1 और प्लस का 1 स्क्वायर। सो दिस विल बी a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस का a और प्लस का 1। तो कुछ भी करके हम लोगों को जो a माइनस 1 तो हम नहीं बना पाएंगे लेकिन a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 हम लोगों को बिल्कुल सीधा स्पष्ट स्पष्ट नजर आ रहा। अगर मैं इसको ऐसे करके जोड़ दूं या फिर सारे कॉलम को जोड़ दूं तब मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर मिलेगा। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी लगाया ऑपरेट, हम लोगों ने प्रॉपर्टी लगाया c1 के प्लेस पे c1 प्लस c2 प्लस c3, c1 के प्लेस पे c1 प्लस c2 प्लस c3 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर, दिस विल बी a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a एंड दिस विल बी a प्लस a स्क्वायर और प्लस का 1। इसको लिखेंगे तो a, दिस विल बी 1, दिस विल बी a स्क्वायर, दिस विल बी a स्क्वायर, दिस विल बी a एंड दिस विल बी 1। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को दिख रहा है कि 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर कॉमन आ सकता है तो हम लोगों ने क्या किया, टेक, ये इसको यहां लिख देते हैं, टेक 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर कॉमन फ्रॉम c1, उसको हमने c1 से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर और इसका कॉलम रहेगा 1 1 1, दिस विल बी a 1 a स्क्वायर, दिस विल बी a स्क्वायर a और 1, ऐसा बन जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पहला पूरा का पूरा जो पहला कॉलम है वो 1 बन जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे, आप लिखेंगे ऑपरेट r2 के प्लेस पे r2 माइनस r1 और R3 के प्लेस पे R3 माइनस R1। हम लोगों ने R2 के प्लेस पे R2 माइनस R1 लगा दिया और R3 के प्लेस पे R3 माइनस R1 लगा दिया। उससे फायदा क्या होगा, देखिए हमारे पास आ जाएगा 1, इसको यहाँ लिख देते हैं ना, 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 1a और a स्क्वायर। 1 से 1 गया 0, 1 में से a जाएगा तो 1 माइनस a और इसको लिख देंगे a माइनस a स्क्वायर। जब यही प्रॉपर्टी इस पे लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 0 a स्क्वायर माइनस a और इसको लिखेंगे तो 1 माइनस a स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। सो दिस विल बी 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर, इसको हम लोग देखेंगे तो हमारे पास आएगा 1a और a स्क्वायर 0 1 माइनस a। यहां से हम लोगों ने किसको कॉमन ले लिया, a को, तो बीच में क्या बचेगा 1 माइनस a। उसके बाद 0, यहां से हमने a को कॉमन ले लिया तो बीच में क्या बचेगा a माइनस 1। ठीक है, या फिर आप ऐसा करो यहां से माइनस ए को कॉमन ले लो तो बीच में क्या बचेगा 1 माइनस ए और इसका आइडेंटिटी खोल देंगे 1 माइनस ए और 1 प्लस ए। अब आपको दिख रहा है जो 1 माइनस ए है वो सेकेंड रो में भी आता है और थर्ड रो में भी आता है, तो हमने क्या किया, टेक 1 माइनस ए कॉमन फ्रॉम 1 माइनस ए कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3। हम लोगों ने 1 माइनस ए को R2 और R3 से कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी 1 प्लस ए प्लस ए स्केयर, ये तो पहले से चलता आ रहा है, और 1 माइनस ए का स्केयर हमारे पास बाहर आ गया तो बीच में क्या बचेगा 1 ए और ए स्केयर, दिस विल बी 0 1 और ए, दिस विल बी 0
माइनस ए एंड दिस विल बी वन प्लस ए। अब हम इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। जब आप इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा वन प्लस ए प्लस ए स्क्वायर और वन माइनस ए स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो वन प्लस ए, उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का निशान अपने आप से आ जाएगा तो वन प्लस ए स्क्वायर। तो जब हमने इसको एक्सपेंड करके देखा तो हम देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू वन माइनस ए का होल स्क्वायर और ये बनेगा वन प्लस ए स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं। आप इसको इकट्ठा करके लिखोगे तो वन माइनस ए दिस विल बी वन प्लस ए स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सो दिस विल बी वन माइनस ए क्यूब का स्क्वायर, वन माइनस ए क्यूब का स्क्वायर। अब अपने आंसर को देखिए, अपने आंसर में हम लोगों को क्या चाहिए, ए क्यूब माइनस वन का स्क्वायर। इसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका अंतर है, माइनस का। तो आप क्या करेंगे, यहां से माइनस को कॉमन ले लो तो हमारे पास बनेगा ए क्यूब माइनस वन सारे का होल स्क्वायर। अब आपको मालूम है चाहे हम लोग दो का स्क्वायर करें और चाहे हम लोग माइनस दो का स्क्वायर करें, आंसर दोनों का इसमें सेम आता है, कितना, चार। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू ए क्यूब और माइनस वन का स्क्वायर, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा वैसा बनेगा जैसा जैसा हमारे पास राइट हैंड साइड में था। ठीक है ना, एक बार दोबारा से देख लीजिए, हमारे पास था वन ए ए स्क्वायर, ए स्क्वायर वन और ए ए ए स्क्वायर वन, हमने सी वन की जगह सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री लगाया, उससे वन प्लस ए प्लस ए स्क्वायर जो है वो बाहर आ गया, तो हमारे पास आ गया वन वन वन, दिस इज ए वन ए स्क्वायर ए और वन। उसके बाद वन वन हमारे पास कॉलम में बन गया तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं किसके बीच में, रो के बीच में, तो हम लिखेंगे आर टू की जहां आर टू माइनस आर वन और आर थ्री की जहां पे आर थ्री माइनस आर वन, तो हमारे पास आ जाएगा जीरो वन माइनस ए माइनस ए स्केयर, जीरो ए स्केयर माइनस ए और वन माइनस ए स्केयर। उसके बाद हमने यहां से कॉमन निकाल लिया, वन माइनस ए सेकेंड और थर्ड रो में से आता था, एक्सपेंड किया तो हमारे पास बन गया वन माइनस ए का होल स्केयर और वन प्लस ए स्केयर सारे का होल स्केयर। तो इसका भी स्केयर है, इसका भी स्केयर है, तो दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर विच इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब सारे का होल स्केयर। ठीक है, अब आपने माइनस कॉमन ले लिया और आपने लिखा चाहे मैं ए क्यूब माइनस वन का स्केयर करूं या वन माइनस ए क्यूब का स्केयर करूं, आंसर दोनों केस के बीच में बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है ना, कर लेंगे आप लोग इसको। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सीबीएसई के पेपर में इनमें से कोई भी सवाल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप इन सबको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है कि हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है बी प्लस सी, फिर लिख रखा है सी प्लस ए और फिर लिखा है ए प्लस बी, हमारे पास है ए माइनस बी, दिस इज बी माइनस सी, दिस इज सी माइनस ए, दिस इज ए बी एंड सी। हम लोगों को प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू थ्री ए बी सी माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब और माइनस का सी क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, बी प्लस सी ए माइनस बी और ए, हमें देखा है सी प्लस ए बी माइनस सी और बी, और फिर हमें दे रखा है ए प्लस बी सी माइनस ए और सी। आपसे कहते हैं कुछ भी करके हम लोगों को आंसर में लेके आना है 3ac माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस सी क्यूब। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि हम इसके बीच में चाहे कोई मर्जी ऑपरेशन लगा ले, लेकिन हम लोग डायरेक्ट आंसर में 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब नहीं ला सकते। तो उस केस में हम लोगों को क्या सोचना पड़ेगा, आप सोचिए क्या कुछ प्रॉपर्टी लगा के कुछ कॉमन निकाला जा सकता है। आप इसको एक मिनट ध्यान से देखो और मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगा, आप इसके कॉलम्स को ध्यान से चेक करिए, आप इसके कॉलम्स को बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर हम कॉलम्स को ध्यान से देखेंगे तो जैसे मुझे दिख रहा है ये बी प्लस सी है ये ए है, ये सी प्लस ए है ये बी है, और ये ए प्लस बी है ये सी है। अगर मैं सी वन में सी थ्री को जोड़ दूं, अगर मैं सी वन में सी थ्री को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। उसके बाद मैं ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लूंगा, वन 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 बन जाएगा। उसके बाद तो हम लोगों को आगे मालूम है कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लिखा ऑपरेट, ऑपरेट में क्या करेंगे C1 के प्लेस पे C1 और प्लस का C3, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा B प्लस C प्लस A, दिस विल बी C प्लस A प्लस B एंड दिस विल बी A प्लस B प्लस C, और यहां लिखेंगे A माइनस B B माइनस C C माइनस A, दिस इज A दिस इज B एंड दिस इज C।
आप कहेंगे सर आंसर में ए प्लस बी प्लस सी तो चाहिए नहीं, तो आपने ए प्लस बी प्लस सी क्यों बनाया? हम लोगों ने ए प्लस बी प्लस सी को बनाया ताकि हम लोगों के पास पूरा का पूरा जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या बन जाए, वन बन जाए। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा, टेक ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम सी वन। हम लोगों ने सी वन से कॉमन निकाल लिया तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो हम इसको लिखेंगे वन वन वन, दिस इज ए माइनस बी, दिस इज बी माइनस सी, दिस इज सी माइनस ए, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, तो हमारा काफी हद तक क्वेश्चन जो है वो आसान हो चुका है। हमारा जो पहला कॉलम है वो पूरा का पूरा क्या बन चुका है, वन बन चुका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, आर टू के प्लेस पे लिखेंगे आर टू माइनस आर वन और आर थ्री के प्लेस पे लिखेंगे आर थ्री माइनस आर वन। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा वन ए माइनस बी और ए, इसको घटा देंगे तो जीरो। ठीक है जी, उसके बाद इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास आएगा टू बी माइनस सी माइनस ए, इसको घटा देंगे तो हमारे पास आएगा बी माइनस ए, इसको घटाएंगे तो हमारे पास जीरो आएगा, इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा सी प्लस का बी और माइनस का टू ए, और सी में से ए को घटा देंगे तो हमारे पास सी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा हम लोग चाहते थे। अब आप इसको ध्यान से देखिए, आपको लगता है कि हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है। तो हम इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर देंगे, आप लिख भी देना एक्सपेंडिंग अलोंग सी वन। हम लोगों ने इसको सी वन से एक्सपेंड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारे पास क्या आएगा, टू बी सी माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए सी, फिर माइनस का टू ए बी और प्लस का ए सी और माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का ए स्क्वायर। इसको लिखेंगे माइनस सी का मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का बी सी, सी का मल्टीप्लाई माइनस ए से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का ए सी, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का बी स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का ए बी, क्योंकि इस डायरेक्शन में जाते हो माइनस का निशान हम लोगों को लगाना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का टू ए बी, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का टू ए बी, और इसकी मल्टीप्लाई उससे करेंगे तो हमारे पास टू ए स्क्वायर आना चाहिए था तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस टू ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, माइनस का बी सी और प्लस का ए सी, माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, प्लस का टू ए बी और माइनस का टू ए स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो हमने इसको लिखा ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए क्या कटता है, अगर कोई चीज किसी से कटती है उसको काट दो, देखो दो ए बी से दो ए बी कट गया, ठीक है, जो ए सी प्लस का था ए सी माइनस का था ये भी कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, दो बी सी में से एक बी सी चला गया तो बी सी, उसके बाद हमारे पास है एक ए बी और एक ए सी, उसके बाद हमारे पास बचा है माइनस का, ये क्या है, सी स्केयर माइनस का बी स्केयर, ए स्केयर में से दो ए स्केयर चला गया तो कितना आ जाएगा, माइनस ए स्केयर। तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास आ गया बी सी प्लस का ए बी प्लस का ए सी माइनस सी स्केयर माइनस बी स्केयर और माइनस ए स्केयर। अब हम इस सब की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी, इसको लिखेंगे तो आएगा ए स्क्वायर बी, इसको लिखेंगे तो आएगा ए स्क्वायर सी, इसको लिखेंगे तो माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस का ए क्यूब, फिर हम लोग इसको बी से लिखेंगे तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर सी, इसको लिखेंगे ए बी स्क्वायर, दिस विल बी ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी क्यूब और माइनस ए स्क्वायर बी, फिर हम लोग इसको सी से करेंगे तो हमारे पास आएगा बी सी स्क्वायर, फिर हम इसको लिखेंगे दिस विल बी ए बी सी, इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा ए सी स्क्वायर, इसको लिखेंगे तो माइनस का सी क्यूब और माइनस का बी स्क्वायर सी और माइनस का ए स्क्वायर सी। ठीक है, अब आप इसको देखें कौन किससे कट रहा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमें पता भी लग जाएगा कि ये बी सी स्क्वायर प्लस का है और ऐसे ही बी सी स्क्वायर किसका है, माइनस का, ये तो कट गया। ऐसे और देखिए, और भी बहुत सारी चीजें कटेंगी, ए स्केयर सी प्लस का है, ए स्केयर सी माइनस का है। इसी तरीके से अगर हम ध्यान से देखेंगे, माइनस ए सी स्केयर और प्लस ए स्केयर, ये भी कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बी स्केयर सी किसका है, माइनस का, और बी स्केयर सी किसका है, प्लस का। ठीक है, उसके बाद ए बी स्केयर किसका है, प्लस का, और ए बी स्केयर किसका, माइनस का। उसके बाद ए स्केयर बी माइनस का और ए स्केयर बी किसका है, प्लस का। तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा थ्री ए बी सी, उसके बाद है माइनस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब और माइनस सी का क्यूब,
सेम टू सेम वो है जो हम लोगों को आंसर में चाहिए है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली पिछले क्वेश्चन के थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आंसर को देखते हुए हम लोगों को हिंट मिल जाता है कि हम लोगों को क्या बनाना है, लेकिन इसके आंसर में हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं है, हम लोगों को डायरेक्टली तो ये मिलेगा ही नहीं। तो आप लोगों को ये देखना कि मैं क्या बनाऊं जिससे मेरे पास किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट जो है वो क्या बन जाए, वन 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 बन जाए। तो हम लोगों ने सी वन में सी थ्री को ऐड कर दिया। जब आप सी वन में सी थ्री को ऐड करेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो पहले कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी को बाहर निकाल लेंगे तो सारी एंट्रीज 1 1 1 हो जाएंगी, ठीक है। फिर हम लोगों ने r2 की जगह पे r2 माइनस r1 और r3 की जगह पे r3 माइनस r1, उसके बाद तो सिंपल सिंपलीफिकेशन है, मल्टीप्लाई करें सब्ट्रैक्ट करें, जो कटता है उसे काट दे, जो बाकी बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी कुछ इसी कैटेगरी का सवाल है, उसमें भी आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दिया गया है, तो आप उसको सोचना कि हम लोगों को उसको कैसे करना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है b प्लस सी, मैं लिख देता हूं उसको, फिर आप समझने की कोशिश करना कि हम लोगों को क्या करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, दिस इज b प्लस सी, इसको लिखेंगे c प्लस ए, इसको लिखेंगे a प्लस बी, ये हमारे पास है c प्लस ए, a प्लस बी, और इसको लिखेंगे तो b प्लस सी, दिस इज ए प्लस बी, बी प्लस सी, और ये हमारे पास क्या है, सी प्लस ए। आपसे कहते हैं आपको प्रूव करके दिखाना है, इसका आंसर आएगा टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, और इसकी ब्रैकेट में लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर और माइनस सी स्केयर, ठीक है। तो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में आप लोगों से कहता है कि बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी है, C प्लस ए, ए प्लस बी और बी प्लस सी है, और ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए है, ठीक है। तो आप इसको एक मिनट अच्छे से देखिए और ये देखिए कि हम लोगों को क्या लेके आना है और हम लोगों को क्या करके वो मिल सकता है, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हम लोगों को आंसर में 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी जो है वो बहुत आसानी से बना सकता हूं, ठीक है। वो आपको भी दिख गया होगा अब तक कि अगर मैं सारे के सारे कॉलम्स को इकट्ठा करके ऐड कर दूं तो मुझे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, जो एज इट इज बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें प्रॉपर्टी लगाया, आपने लिखा ऑपरेट सी वन के प्लेस पे सी वन प्लस सी टू और प्लस का सी थ्री, जो सी वन है उस C1 के प्लेस पे C1 प्लस का C2 प्लस का C3, तो क्या आ जाएगा बोलो, पहले इसको लिख लेते हैं ना, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, इसको लिखेंगे 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, इसको भी लिखेंगे तो 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, तो ये हमारे पास आएगा C प्लस A, A प्लस B, दिस इज B प्लस C, इसको लिखेंगे तो A प्लस B, B प्लस C, और साथ में क्या आएगा C प्लस A, ऐसा आ जाएगा। अगर हम यहां से कॉमन निकालना चाहें तो क्या कॉमन निकलेगा, है ना, आप लिख सकते हो टेक 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम सी वन, हम लोगों ने सी वन से कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 1 1 1, दिस इज सी प्लस ए, ए प्लस बी और बी प्लस सी, इसको लिखेंगे तो ए प्लस बी, B प्लस सी और C प्लस ए, ऐसा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या दिख गया कि जो पूरा का पूरा पहला कॉलम है उसके सारे के सारे एलिमेंट कितने हैं, वन 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 है, तो प्रॉपर्टी किसमें लगा देंगे, अरे किसमें लिखा है वन वन, कॉलम में लिखा है ना, तो प्रॉपर्टी किसमें लगा देंगे, रोज में लगा देंगे, तो हम लिख लेंगे क्या लिखेंगे, ऑपरेट आर टू के प्लेस पे आर टू माइनस आर वन और R3 के प्लेस पे R3 माइनस R1, ठीक है। तो उससे हमारा क्या फायदा होने वाला है, हम लोगों ने लिख लिया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 1 C प्लस A, इसको लिखेंगे तो A प्लस बी, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0, A से A कट गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा B माइनस सी, B से B कट गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा C माइनस A, ठीक है। उसके बाद वन में से वन जाएगा तो कितना आएगा, वन में से वन गया जीरो, सी से सी कट गया तो हमारे पास क्या आएगा बी माइनस ए,
और a से a कट गया तो हमारे पास क्या आएगा, c और माइनस का b, ऐसा बन जाएगा। उसके बाद हम इसको एक्सपेंड कर देंगे अलोंग फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। तो हमने इसको एक्सपेंड कर दिया फर्स्ट कॉलम के लोंग, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या बनेगा, बी सी माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर और प्लस का सी बी। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी सी ये बनेगा प्लस का ए बी, इसको लिखेंगे तो बनेगा प्लस का ए सी, और इसकी लिखेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का ए स्क्वेयर। तो हम इसको लिख सकते हैं टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। तो क्या होगा, इस वाले बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, बी सी प्लस का ए बी प्लस का ए सी माइनस का ए स्केयर माइनस का बी स्केयर माइनस का सी स्केयर, सेम टू सेम वो आएगा जैसा हम लोगों को प्रूव करना था, ठीक है ना। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, हम लोगों को आंसर में टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी चाहिए था। तो हम लोग ध्यान से देख सकते हैं, अगर मैं तीनों के तीनों कॉलम को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां पे क्या बन गया, वन वन वन। फिर हमने आर टू की जगह आर टू माइनस आर वन और आर थ्री की जगह आर थ्री माइनस आर वन, दो जीरो बन गई। इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, तो जब वन के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो बी माइनस सी सी माइनस बी माइनस बी माइनस ए सी माइनस ए, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, जो जिससे कटता था उसे काट दिया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी सी प्लस का ए बी प्लस का ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, ठीक है जी। तो बहुत अच्छा सवाल था ये भी, आपको इसको अच्छे से करना है, बिल्कुल हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और आ सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल आसान आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करना है और क्वेश्चन को ध्यान से घूरना है। अगर आपने क्वेश्चन को 2 मिनट तसल्ली से देख लिया ना, तो ये मेरा चैलेंज है कि वो क्वेश्चन की प्रॉपर्टी अगर एक बार आप समझ गए क्या करना है, उसके बाद वन 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 बन जाएगा, फिर उसके बाद खेलते रहना उसके साथ बैठ के, ठीक है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है, हमारे पास लिखा है बी प्लस सी का स्क्वेयर, फिर हमारे पास लिखा है सी प्लस ए का स्क्वेयर, फिर हमारे पास लिखा है ए प्लस बी का स्क्वेयर, फिर हमारे पास है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, और हमारे पास लिखा है बी सी सी ए और ए बी। आपसे कहते हैं प्रूव करके दिखाओ कि इसका आंसर आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसको लिखेंगे तो बी माइनस सी सी माइनस ए और मेरे पास क्या आएगा a माइनस बी। तो कुछ भी करके हम लोगों को अपने डिटरमिनेंट की वैल्यू को इसमें बदलना है। तो हमारे पास क्या लिखा है, b प्लस सी का स्क्वायर, ये क्या है a स्क्वायर बी सी, c प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर c a, और इसको देखेंगे तो a प्लस b का स्क्वायर c स्क्वायर a b, ठीक है। तो हम लोगों को कुछ भी करके इस डिटरमिनेंट को इसके बराबर लेके आना है। तो हम कोशिश कर सकते हैं या तो हम लोग ये बनाएं और या फिर हम लोग ये बनाएं, क्योंकि ये तो बाहर कॉमन ही निकलने वाले हैं, ठीक है। तो या तो हम लोग ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर के लिए जा सकते हैं, और या फिर हम लोग किसके लिए जा सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करते हैं, देखो जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस टू बी सी, और ये क्या है ए स्क्वेयर, और ये क्या है बी सी। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दूं तो 2 BC हट जाएगा, और इसको जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, सारे में से कॉमन आ जाएगा, फिर क्या बनेगा, वन 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 बन जाएगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज लगा देंगे, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ऑपरेट सी वन के प्लेस पे सी वन प्लस का सी टू और माइनस का टू टाइम सी थ्री। ये सारी प्रॉपर्टी मैंने याद नहीं किया है, जब मैं क्वेश्चन को देखता हूं उस हिसाब से मुझे पता चलता है कि मुझे इसके बीच में इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से कॉमन निकालना है ना, इसको हम लोग रट थोड़ी ना सकते हैं। तो इसको देखते हैं क्या बन जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, क्या लिखोगे इसमें, बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस का 2 BC प्लस का ए स्केयर और माइनस 2 BC, इसको लिखेंगे सी स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस का 2 AC प्लस का बी स्केयर माइनस 2 AC, इसको लिख देंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस का 2 AB प्लस का सी स्केयर और माइनस का 2 AB, ये क्या है ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, और ये क्या है बी सी सी ए और क्या है ए बी, ठीक है। 2 BC से 2 BC कट गया, 2 AC से 2 AC कट गया और 2 AB से 2 AB कट गया।
तो पूरा का पूरा जो पहला कॉलम है वो सारा का सारा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर में कन्वर्ट हो गया. तो आप लिख लो टेक टेक ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर कॉमन फ्रॉम सी वन. हम लोगों ने पहले कॉलम से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर को कॉमन निकाल लिया. तो हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर. इसको देखेंगे तो हमारे पास आएगा वन वन वन. दिस इज ए स्क्वेयर, दिस विल बी बी स्क्वेयर, दिस विल बी सी स्क्वेयर, बी सी सी ए, और ये क्या आएगा ए बी, ऐसा बन जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम लोगों को वन 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 दिख चुका है तो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे. आप लिखोगे ऑपरेट आर टू के प्लेस पे आर टू माइनस आर वन और आर थ्री के प्लेस पे आर थ्री माइनस आर वन. ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा देखो, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर. जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास आएगा वन ए स्क्वेयर इंटू बी सी. इसको लिखेंगे तो क्या आएगा जीरो बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इस पे लिखेंगे सी ए माइनस बी सी, इसको लिखेंगे जीरो सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी और माइनस का बी सी, ऐसा बन जाएगा. अब हम इसके आइडेंटिटीज खोलते हैं, हमारे पास आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर. इसको हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा वन ए स्क्वेयर बी सी जीरो, इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा बी माइनस ए और बी प्लस ए. यहां से हम लोगों ने कॉमन ले लिया माइनस सी, तो बीच में क्या बनेगा बी माइनस ए. यहां पे आएगा जीरो सी माइनस ए और सी प्लस ए. यहां से हम लोगों ने माइनस बी को कॉमन निकाल लिया तो बीच में क्या आएगा सी माइनस ए. तो आपको दिख रहा है सेकेंड वाली रो में से क्या कॉमन आएगा बी माइनस ए और थर्ड वाली रो में से क्या आएगा सी माइनस ए. तो आप इसको लिख लेना टेक टेक बी माइनस ए एंड सी माइनस ए कॉमन फ्रॉम आर टू एंड आर थ्री. हम लोगों ने आर टू और आर थ्री से बी माइनस ए और सी माइनस ए को कॉमन ले लिया. ठीक है, तो इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, थोड़ा अच्छे से हो जाएगा. बिल्कुल तो उसके बाद देखिए आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर. ये हमारे पास क्या लिखा है बी माइनस ए, फिर क्या है सी माइनस ए. ठीक है, ये कॉमन आ चुका. अब हमारे पास क्या बचेगा बीच में, जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास आएगा वन ए स्क्वेयर बी सी जीरो बी प्लस ए और माइनस का सी, इसको लिखेंगे जीरो सी प्लस ए और इसको लिखेंगे तो क्या आएगा माइनस का बी. तो हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम आपके पास आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, इसको लिखेंगे तो आएगा बी माइनस ए और सी माइनस ए. इसको एक्सपेंड किया ये उधर जाएगा तो हमारे पास आएगा माइनस बी का स्क्वेयर माइनस ए बी, इसको लिखेंगे तो आएगा प्लस का सी स्क्वेयर और प्लस का ए सी. तो हमारे पास आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, इसको लिखेंगे तो आएगा बी माइनस ए सी माइनस ए. इसको लिख दो क्या बन जाएगा सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और प्लस का ए सी और माइनस का ए बी, ऐसे बन जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसको ओपन कर देते हैं. जब आप इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर. ये बनेगा बी माइनस ए सी माइनस ए. इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे सी माइनस बी और सी प्लस बी. इसमें ए को बाहर निकाल लेंगे तो बीच में क्या बचेगा सी माइनस बी. सी माइनस बी यहाँ पे भी है, सी माइनस बी यहाँ पे भी है, तो दोनों में से सी माइनस बी को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर. यह आएगा b माइनस ए सी माइनस ए, इसको लिखेंगे तो c माइनस बी और बीच में बचेगा c प्लस बी प्लस ए. लगभग लगभग हम अपने आंसर के आसपास पहुंच चुके हैं. ठीक है, हम लोगों को आंसर में क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर, वो तो हमारे पास है ही है ए स्केयर प्लस बी स्केयर और प्लस सी स्केयर. उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, वो भी लास्ट में है ए प्लस बी प्लस सी. उसके बाद नेक्स्ट क्या चाहिए बी माइनस सी और हमारे पास क्या है सी माइनस बी. तो हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया तो बीच में आ गया b माइनस सी. उसके बाद नेक्स्ट क्या चाहिए c माइनस ए, एज इट इज हमारे पास है. ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए a माइनस बी, इसमें से भी माइनस कॉमन निकाल लो तो बीच में क्या आ जाएगा
बीच में आ जाएगा a माइनस बी. जब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस हो जाएगा एंड यू विल गेट इट इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर. ए प्लस बी प्लस सी, इसको लिखेंगे बी माइनस सी, इसको लिखेंगे सी माइनस ए, और इसको लिखेंगे क्या आएगा ए माइनस बी. सेम टू सेम हम लोगों को वो मिलने वाला है जो हम लोगों से क्वेश्चन के बीच में पूछा गया था, ठीक है ना. तो आप इसको ध्यान से देख लेना. आप ये देखना कि आप क्या बना सकते हो. या तो हम लोग ए प्लस बी प्लस सी के लिए कोशिश करेंगे और या फिर हम लोग ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर के लिए करेंगे. जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग ए स्केयर प्लस बी स्केयर को आसानी से बना सकते हैं. कैसे, इसको जब हमने ओपन किया तो 2bc फालतू आया, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हटा दिया और इसको जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर और प्लस में क्या आ जाएगा सी स्केयर आ जाएगा. ठीक है जी, चले फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, लगभग इसी के जैसा है. तो हमारे पास लिखा है ए स्क्वेयर और यहां लिखा है ए स्क्वेयर माइनस बी माइनस सी स्क्वेयर और यहां पे लिखा है बी सी. दिस इज बी स्क्वेयर और यहां पे लिखा है बी स्क्वेयर माइनस सी माइनस ए स्क्वेयर और यहां हमारे पास है सी ए. इसका लिखा है सी स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी का स्क्वेयर और ये हमारे पास क्या है ए बी. हम लोगों को कुछ भी करके प्रूव करना है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और बीच में हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी और साथ में आ रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ठीक है ना. अगर आप इसको थोड़ा सा सोचोगे तो लगभग ये पिछले वाले सवाल की तरह ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. चलिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं. अगर हम लोग सेकेंड वाले कॉलम को खोलने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या आएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर और प्लस का 2bc. इसको खोलेंगे तो बी स्केयर माइनस सी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस का 2ac, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्केयर और प्लस का 2ab, ऐसा बन जाएगा, है ना. और ये हमारे पास ऐसा लिखा है. अगर मैं यहाँ पे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर बनाना चाहता हूं तो सबसे पहली चीज है मेरे पास 2bc फालतू है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाऊं तो बात बन जाएगा. तो आप घटा दो, लिख देंगे इसको बाद में माइनस का 2bc माइनस का 2ac और माइनस का 2ab, ठीक है ना. और ये हमारे पास ऐसे रहेगा bc ca और क्या आ गया ab आ गया. उसके बाद अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास है ए स्केयर बी स्केयर और सी स्केयर. अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दूं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा देता हूं तो मैं क्या लिख दूंगा माइनस 2 ए स्केयर, इसको लिखेंगे तो माइनस 2 बी स्केयर और इसको लिखेंगे तो माइनस 2 सी स्क्वेयर. तो उससे फायदा क्या होने वाला है देखो. तो अब ये देखो हमने प्रॉपर्टी क्या लगाया, सी टू की जगह सी टू माइनस 2 सी वन और माइनस का 2c3. हमने c1 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया और c3 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया. उससे हमारा क्या फायदा हुआ, ये हमारे पास आ गया ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर. इसको देखो 2bc से 2bc कट गया, 2ac से 2ac, 2ab से 2ab, तो हमारे पास बनेगा क्या माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर. इसको भी लिखेंगे तो माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर. इसको भी लिखेंगे तो माइनस का ए स्केयर माइनस का बी स्केयर माइनस का सी स्क्वायर और ये लिखा जाएगा बी सी सी ए और साथ में हमारे पास क्या आएगा ए बी आ जाएगा, ठीक है ना. उसके बाद अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास बीच में क्या आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर. माइनस कॉमन आने से अगेन ऐसा बनेगा, यहां से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसा बन जाएगा. अब आपको सेकेंड वाले कॉलम में से इस सारे को ही बाहर निकाल लेना है, ठीक है ना. तो माइनस का ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर. ये क्या बन गया 1 1 1 और ये क्या बन गया बी सी सी ए और साथ में क्या आ गया ए बी, है ना.
बिल्कुल और बिल्कुल वैसा वैसा सवाल बन गया जैसा जैसा हमने पीछे सॉल्व किया है ना। तो फिर आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम लिख देंगे आर टू के प्लेस पे आर टू माइनस आर वन और आर थ्री के प्लेस पे आर थ्री माइनस आर वन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर वन और ये क्या बनेगा बी सी। इसको हटा दो तो क्या बनेगा, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। इसको हटाएंगे तो जीरो और इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा, सी ए माइनस का बी सी। इसको घटाएंगे तो क्या बनेगा, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। इसको लिखेंगे जीरो ए बी और माइनस का क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा माइनस का ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस में सी स्क्वेयर। इसको देख लेते हैं ना, इसमें से कॉमन जो निकलता है इसको कॉमन निकाल लेंगे। ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वेयर वन और ये क्या है बी सी। यहां से हमने आइडेंटिटी लगा दिया b माइनस ए और b प्लस ए, ये जीरो। यहां से माइनस सी को कॉमन निकाला तो बीच में कितना आ गया, b माइनस ए। इसको लिखेंगे तो c माइनस ए और c प्लस ए, दिस विल बी जीरो। यहां से माइनस बी को कॉमन निकालेंगे, अगेन क्या आएगा, c माइनस ए। तो सेकेंड वाली रो में से b माइनस ए और थर्ड वाली रो में से c माइनस ए को कॉमन निकाल दो तो हमारे पास बनेगा माइनस का ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। इसको निकालेंगे तो b माइनस ए, इसको लिखेंगे तो c माइनस ए। तो हमारे पास बीच में बन जाएगा ए स्केयर वन और बी सी, दिस विल बी b प्लस ए, दिस विल बी जीरो, दिस विल बी माइनस सी। इसको लिखेंगे तो c प्लस ए, दिस विल बी जीरो एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस बी। ठीक है कि नहीं है, सही है। अब आप ध्यान से देखिए, जो हम करना चाहते थे वो हम कर चुके हैं। जहां से कॉमन निकलना था वहां से कॉमन निकल चुका है और जहां दो जीरो बननी चाहिए थी वहां पे दो जीरो बन चुकी है। अब हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग सी टू। हम लोगों ने इसको सी टू से एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सी टू से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम इसको लिख सकते हैं क्या, एक्सपेंडिंग अलोंग सी टू। तो क्या बन जाएगा, हमारे पास आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। इसको लिखेंगे तो बी माइनस ए सी माइनस ए, ठीक है। तो जब हम इससे एक्सपेंड करेंगे तो किसका निशान आएगा, माइनस का निशान आएगा, ठीक है। माइनस भी था ना इसके बाद, ये माइनस भी था तो माइनस वन आएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, है ना, ये ऐसे चला गया ना, ये ऐसे गया ऐसे, इसका मल्टीप्लाई इससे किया क्या आ गया, माइनस का बी स्क्वेयर और माइनस का ए बी। और जब इससे करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का सी स्क्वेयर और माइनस का ए सी, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। आप इसको लिख देना ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस में क्या आ गया, सी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर और प्लस में सी स्क्वेयर, बी माइनस ए सी माइनस ए। इसको देखिए क्या बन जाएगा, सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस का ए बी और माइनस का ए सी, ऐसा बनेगा, ठीक है कि नहीं है, सही है ना। देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, जब हमने इसको लिखा तो हमारे पास है माइनस का बी स्क्वेयर और माइनस का ए बी, ठीक है। जब हमने इसको लिखा तो प्लस का सी स्क्वेयर, और इसको भी लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का ए सी। तो ये प्लस का ए सी आ जाएगा। इसको लिख देंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, बी माइनस ए सी माइनस ए। यहां खोल दो आइडेंटिटी क्या बनेगा, है ना, ये तो ऊपर वाले तक है, इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, सी माइनस बी और सी प्लस बी। यहां से हम लोगों ने ए को कॉमन ले लिया तो बीच में क्या आएगा, सी माइनस बी। इसमें से कॉमन ले लो किसको, सी माइनस बी को, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी, और बीच में क्या बचेगा, सी प्लस बी प्लस ए, ठीक है। सेम टू सेम हमारे पास वो बनेगा जैसा जैसा हम लोगों को चाहिए था, ठीक है ना। अब इसके बीच में से माइनस माइनस कॉमन ले लेना, जब आप माइनस कॉमन यहां से लेंगे तो आएगा माइनस का ए माइनस बी, यहां से कॉमन ले लेना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बी माइनस सी, ये बनेगा सी माइनस ए, ये बनेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। और इसको लिखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा आएगा जैसा हम लोगों को चाहिए था। तो कहने का मतलब क्या है,
कहने का मतलब है कुछ भी करके हम लोगों को कोशिश करना है कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पूरा का पूरा क्या बन जाए, वन 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 बन जाए, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर हम लोग इसी टाइप के थोड़े से क्वेश्चन और हैं जो थोड़े से टिपिकल पढ़ते हैं, और CBSE जब भी उसको पेपर में पूछेगा 6 नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम लोग उसको अच्छे से कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की, उसको समझने की, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे वीडियो लेक्चर कुछ अच्छे लगते हैं तो आप उनको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है वो उसको बेनिफिट उठा सके, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।